हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिया कोज गेम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, आपके लवर को इस समय किसकी याद तड़पा कर रुला रही है? ये है क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो क्या फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं आपके लवर को इस समय किसकी याद ज़्यादा आ रही है? तो वीडियो में बने रहिए और अपना आंसर ज़रूर बताइए, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए अब चूज़ कर लीजिए एक लेटर ए बी सी डी ई में से किसी एक को, क्योंकि क्वेश्चन देखने के बाद चूजिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना चूज़ किए आपको आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए, ज़रा सभी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्यार से सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड प्यारा प्यारा कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। नंबरिंग चालू है, नंबर के ख़त्म होते ही आंसर आ जाएगा, कहीं मत जाइए, वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। आर यू रेडी गाइज? क्योंकि आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं आपके चुने हुए लेटर पर कौन सा आंसर आता है। अगर आपने ए लेटर चूज़ किया है तो आपके लिए आंसर है जिससे उन्होंने काफ़ी समय से कॉल पर बात नहीं की, सिर्फ मैसेज से बात हो रही है उसकी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। आप अपना लेटर याद रखिएगा क्योंकि वही आपका आंसर होगा। तो बी लेटर जिसने भी चूज़ किया उनके लिए आंसर है वो 100% आपकी ही याद कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कहीं आपके चुने हुए लेटर का आंसर तो नहीं आ गया। तो फ्रेंड्स, सी लेटर जिन्होंने चूज़ किया, तैयार हो जाएं अपना आंसर जानने के लिए। आंसर है उनको अपने और आपके दोनों के फ्यूचर को याद करके रोना आ रहा है कि आगे क्या होगा, कि मतलब हम दोनों एक हो पाएंगे या नहीं, जुदा हो जाएंगे, इस टाइप के सवाल उठ रहे हैं उनके मन में। एंड जिन्होंने डी लेटर को चूज किया है उनके लिए आंसर ये रहा उनको आजकल उसकी याद बहुत आ रही है जिसको उन्होंने पहले कभी बहुत प्यार किया था लेकिन वो बाद में जुदा हो गया किसी कारणवश, जिसमें उसकी गलती शायद नहीं थी, तो उसी की याद में थोड़ा सा रोना उनको आ रहा है। तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अब आप ही उसका प्यार हो। एंड जिन्होंने ई लेटर को चूज़ किया है उनके लिए आंसर ये रहा उनको इस समय किसी खास फैमिली मेंबर या कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, उसकी याद बहुत रुला रही है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कुछ समय बाद एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।